चिलचिलाती धूप को जो चांदनी दे बेवन, काम करने पर करे जो शेर का भी सामना, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठना। अयोध्या सिंह उपाध्याय की यह रचना मोकामा के इन यातायात प्रहरियों पर एकदम सटीक प्रतीत होती है, जो करकराती धूप में भी अपनी ड्यूटी करने से बाज नहीं आते। नमस्कार, मोकामा ऑनलाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त वासुकीनाथ। आसमान जब अंगारे बरसा रहा हो, तब भी मोकामा बाजार में अपनी ड्यूटी पर जमे ये यातायात प्रहरी अपने पैर अंगद की तरह जमाए लोगों की सेवा में तत्पर हैं। जब सरकार हीट वेव के कारण खुली धूप में जाने को लेकर आदेश जारी करती है कि दिन में 10 बजे से 4 बजे तक सड़क पर ना निकलें, परंतु इस हालत में भी मोकामा के यह यातायात प्रहरी सीना तान अपने कर्म पर जुटे हुए हैं। पिछले एक महीने से पारा 43 डिग्री के पार है। गर्मी इतनी कि धूप में चंद मिनट में ही बदन झुलसने लगता है। 10 मिनट धूप में रहने वाला इंसान कब गस खाकर गिर पड़ेगा यह कोई नहीं जानता। पिछले 10 दिनों से बिहार में लू से 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, परंतु सेवा को समर्पित ये यातायात के सिपाही मोकामा चौक बाजार पर तैनात हैं ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चालू रह सके, कोई भी एम्बुलेंस जाम में न फंस जाए, किसी के जीवन पर कोई संकट न आए, बुजुर्ग महिलाएं और बच्चे अपना काम निपटाकर जल्दी से जल्दी अपने गंतव्य पर पहुंचें, उन्हें कोई दिक्कत न हो। कड़कड़ाती धूप जैसी कठिन परिस्थितियों में भी यातायात मित्र के जज्बे को कोई रोक नहीं पा रहा। ये लोग अपने समय से पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी सेवा दे रहे हैं। इनके सामने कई प्राकृतिक तो कई मानव जनित समस्याएं भी हैं, मगर इनका हौसला वज्र से भी मजबूत है। यह निरंतर अपने कर्तव्य पथ पर जुटे हुए हैं। वे भीषण गर्मी, सर्दी, वर्षा अथवा किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा में अरे रहकर जनसेवा के लिए तत्पर हैं। मोकामा चौक बाजार में तैनात यातायात मित्रों की सेवा का ही नतीजा है कि अब किसी एम्बुलेंस को बाजार से गुजरने में चंद सेकेंड ही लगते हैं। जहाँ पहले जाम में फंस जाने पर घंटों एम्बुलेंस फंसा हुआ रहता था, स्कूल आते जाते बच्चे बिना ट्रैफिक जाम के सुगमता और कम समय में अपनी दूरी तय कर रहे हैं। यातायात में लगने वाला समय वह अपनी पढ़ाई में लगा रहे हैं, जिससे उनका भविष्य उज्जवल होगा और मोकामा का भी भविष्य संवरेगा। मोकामा बाजार जाम मुक्त होने से उन चोर उचक्कों के मंसूबों पर भी पानी फिरा है, जो बाजार में जाम का फायदा उठाकर छिनतई करते थे। यातायात प्रहरी को देखकर ये छिनतई करने वाले भी अब दूर भाग रहे हैं, जिससे बाजार आने जाने वाले बुजुर्ग और महिलाएं निश्चिंत होकर मार्केटिंग कर रही हैं। आम जनमानस यातायात प्रहरियों की इस सेवा से बहुत ही खुश नजर आता है। सभापति नीलेश कुमार, उपसभापति नीतू देवी, कार्यपालक पदाधिकारी मुकेश कुमार द्वारा लिया गया यह निर्णय मोकामा को संवारने की दिशा में उठाया गया सबसे बेहतरीन निर्णयों में से एक है। इस निर्णय से मोकामा बाजार जाम की समस्या से मुक्त तो हुआ ही, बाजार भी सुरक्षित हो रहा है। छिनतई की घटना में जबरदस्त गिरावट आई है। बाजार में होने वाला झगड़ा भी बहुत हद तक बंद हो गया है। छोटे मोटे चिलम चोर भी बाजार से दूर ही रहते हैं। आवागमन सुगम होने से व्यापारियों का व्यापार भी बढ़ने लगा है। मोकामा और आसपास के ऐसे ही अन्य खबरों को जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.mokamaonline.com के अतिरिक्त हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद।